जी चाय की बात हो गई, चलो चाय ही पढ़ लेते हैं पहले। चाय चाय के बारे में जानकारी दे दूं मैं, चाय जो है ना आपके देश का उत्पादन नहीं है, पहली बात जानकारी के लिए बता। अंग्रेज आए थे जब इस देश में तो चाय का पौधा साथ में लाए थे, और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों के अनुकूल, जहां ठंड ज्यादा पड़ती है उन स्थानों पर पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा दिए, तो उसमें से चाय होने लगी। अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आए थे, भारत में चाय कभी हुई नहीं। 1750 के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामो निशान नहीं था। ब्रिटिशर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, तो उन्होंने चाय के बगान लगाए, उन्होंने अपने लिए लगाए। क्यों लगाए? चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनिए, चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है, और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल और हाई रहता है चाय उनके लिए जहर है। बता रहा हूं ना, आगे बढ़ते हैं। चाय उन सब के लिए जिनको ब्लड प्रेशर कम रहता है अमृत है, मेडिसिन है लो बीपी वालों के, लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है। अब अंग्रेजों की एक समस्या है, आज भी है, वो हजारों साल से, सभी अंग्रेजों का बीपी लो है, सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं, अमरीकियों का भी, कैनेडियन लोगों का, फ्रेंच लोगों का, जर्मन लोगों का, स्वीडिश लोगों का, डेनिश लोगों का, सबका बीपी लो है। कारण क्या है? बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में, उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते। सर एक चीज, तनाव टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूं अभी, एक बात पूरी हो जाए तो, अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है, साल में 6 महीने सूरज में, इतनी ठंड है। और आप अगर उनके यहाँ टेम्परेचर रेंज देखेंगे तो -40 उनकी लोएस्ट रेंज है, -40 ऋणात्मक रूप से, शून्य से भी नीचे 40 डिग्री, शून्य से भी नीचे 30 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 15 डिग्री, ये टेम्परेचर उनके यहाँ 6 महीने रहता है, सूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुंध ही धुंध रहती है आसमान में। ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों, ज्यादा ठंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा। आप भी करके देख ले, मैंने किया एक बार मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर किया, बर्फ मंगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है ना, वो मंगाई और चारों तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गया। लेटने से पहले मैंने मेरा बीपी चेक कर लिया और लेट गया, 3 मिनट के बाद ही मेरा बीपी लो होना शुरू हो गया, 3 मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए, ऐसी हालत हो गई। 8-10 मिनट में ही मुझे बर्फ से बाहर आना पड़ा, फिर बीपी चेक किया, मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना लो था, इतना लो था। फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज्यादा बेचारे तो अंग्रेज हैं जो बर्फ की सिल्लियों में 6 महीने रहते, चारों तरफ बर्फ रहती है, छत पे बर्फ रहती है, सड़क पे बर्फ रहती है, इधर बर्फ रहती है, उधर बर्फ रहती है, इतनी बर्फ होती है कि गाड़ियां बर्फ में दब जाती हैं, फिर उनको स्पेशल अभियान चलाना पड़ता है बर्फ को तोड़ने का, सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बर्फ तोड़ने में खर्च होता है, कनाडा अमेरिका वगैरह। तो वो लोग सच में बर्फ में ज्यादा रहते हैं, ठंड बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है। अब तुरंत ब्लड को स्टिमुलेंट चाहिए, अगर बीपी लो हो गया, इतनी ठंड पड़ गई, स्टिमुलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए, तो चाय उसमें सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे कॉफी, तो चाय और कॉफी उन सबके लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं, और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याख्यान दूंगा तो लोगों से कहूंगा चाय पियो, कॉफी भी पियो, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है। आपको अगर मैं लेक्चर करूंगा तो आपको बोलूंगा आप मत पियो, क्योंकि आप इतने बर्फ वाले इलाके में नहीं रहते, आपके यहाँ थोड़ी ठंडी है, वो भी साल में 10-15 दिन की है, वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है, हाथ पैर आपके गलने लगते हैं, टेम्परेचर -0 या 0 के नीचे आ जाता, तब आपके यहाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो, कॉफी पी लो, क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है। लेकिन पूरे साल चाय पीना और एवरी टाइम इज टी टाइम,
ये सबसे खतरनाक है। सुबह उठते ही चाय पीना, कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पिएंगे तब तो पॉटी भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक। इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है तो इसको बदलिए, नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर लो बीपी आपको नहीं है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, धीरे धीरे हाई होना शुरू होगा और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा, फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ और जिंदगी भर चाय भी पियो, जिंदगी भर गोलियां भी खाओ। तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा अभी चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां बिकेंगी तो उसको भी कमीशन मिलने वाले हैं। तो आप या तो डिसाइड कर लो कि जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोलियां खा के जिंदा रहना है तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़िए। दूसरी एक जानकारी और दूं कि आपका पेट बहुत अम्लीय होता है, आप जानते हैं, क्योंकि हम गर्म देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल एसिडिटी से थोड़ा ऊपर रहता है, ठंड वाले लोगों का नॉर्मल एसिडिटी से भी बहुत नीचे रहता है, माने उनका जो ब्लड है उसकी एसिडिटी अगर हम नापे यूरोप और अमेरिका के लोगों की और हमारे ब्लड की एसिडिटी नापे, दोनों में अंतर है। अगर हम पीएच स्केल को जानते हैं तो हमारा ब्लड जो है ना वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी कभी 7.2, कभी 6.8 तक चला जाता है एसिडिटी में, लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो +8 और 8 के आगे रहता है। तो उनका ब्लड जो है ना थोड़ा सा एल्कलाइन है यूरोपियन लोगों का, और चाय एसिडिक है, तो एल्कलाइन ब्लड को थोड़ा एसिडिक करने में चाय उनको मदद करती है, इसलिए उनके लिए वो मेडिसिन है। हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा एसिडिक है और पेट भी हमारा एसिडिक है, और हम चाय पी के और ज्यादा एसिडिक उसको बनाते हैं और ज्यादा अम्लीय बनाते हैं, तो जीवन का सर्वनाश करती है, इसलिए चाय आपके लिए नहीं है। और मैं एक आखिरी जानकारी आपको दे दूं, भगवान ने जो चीजें आपके नजदीक में पैदा की है वही आपके खाने पीने के लिए अच्छी है, जो चीजें आपसे हजारों मील दूर पैदा होती है वो आपके लिए अच्छी नहीं। आपको खाने पीने को जितना लगता है वो सब 20 किलोमीटर के दायरे में होता है, आप पटियाला को केंद्र बनाकर 20 किलोमीटर का एक सर्कमफेरेंस बना दीजिए, आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है। और हजारों मील दूर नीलगिरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या कर्नाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वो आपके लिए मुफीद नहीं है, अनुकूल नहीं, क्योंकि हर वस्तु आबो हवा के हिसाब से होती है, जहां जिसकी जरूरत है वही वो चीज होती है। कुर्ग एरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां कॉफी होती है। पटियाला और आसपास में कॉफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि कॉफी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो गड़बड़ी क्या हो गई कि ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो शरीर के अनुकूल नहीं। अब एक और छोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा ऑब्जर्व करें, वो चाय पीते हैं क्या? मैंने बहुत पिला के देखा है, नहीं पीते। कोई पक्षी चाय नहीं पीता, कोई पक्षी कॉफी नहीं पीता, मेरे घर का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता, वो भी मुंह इधर उधर कर देता, चाय रख दो इधर उधर करेगा, दूध रख दो फट से पी जाएगा, फट फट फट, एक मिनट नहीं लगता। बिल्ली को पिला के देखा, कुत्ते को पिला के देखा, वो भी नहीं पीते, उनको भी इतना सेंस है, हम तो इतने सेंसलेस होते हैं। अपने को समझते तो बहुत होशियार हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट, प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है, सेंसलेस हो गए। तो आप थोड़े सेंस में वापस आइए, चाय कॉफी छोड़िए। फिर आप बोलेंगे कैसे छूटेगा, स्वामी जी का एक सूत्र बताता हूं चाय छोड़ने का। स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी। चाय पीकर आपने क्या किया, आपके ब्लड को एसिडिक बना लिया, अम्लीय बना लिया, अब इसको वापस आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है अर्जुन छाल का पाउडर, उसका काढ़ा बना के पीजिए, चाय जिनको छोड़ दी। घर आए वाले को सत्कार कैसे करें, वो बोलेगा क्या छाल का पाउडर दे रहे हो? बहुत अच्छा, शुरुआत तो हमें लगती है चाय के। आप जो है जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिन्होंने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का, वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक दवा है अर्जुन छाल। आप जानते हैं अर्जुन छाल कहीं भी मिलती है, 35-40 रुपए किलो की है, बहुत सस्ती है,
चाय तो 150 रुपए किलो है, ये तो 35-40 रुपए किलो है। स्वामी जी का यहाँ अगर केंद्र होगा, सेवा केंद्र, वहां से ले लीजिए। अर्जुन छाल का पाउडर मिलता है, उसको काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाना आप सब जानते हैं, पानी में डाल के उबाल दीजिए, थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होता है। टेस्ट उसका चाय का ही जैसा है और रंग भी चाय के जैसा है। उसमें दूध भी डाल सकते हैं, गुड़ या चीनी जो भी डाल के, और उसको पी लीजिए लगातार। 15-20 दिन आपने पी लिया तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ चाय छूट जाएगी। और चाय पीकर जितना नुकसान आपने कर लिया वो सारा नुकसान उससे कवर हो जाएगा। आपके ब्लड में एसिडिटी कम कर देगा और आपके ब्लड को एल्किलाइन कर देगा। और मजे की बात यह है कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने लगते हैं, और ब्लड की एसिडिटी घटते ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सब घटने लगते हैं। माने हार्ट अटैक से बचना है तो भी अर्जुन की छाल ही चाहिए आपको, तो चाय का सबसे अच्छा विकल्प है। और एक अच्छा विकल्प है, अर्जुन की छाल बहुत क्षारीय है, एल्केलाइन है, ऐसी कोई भी चीज जो एल्केलाइन है वो आप पीना शुरू कर दीजिए चाय के विकल्प के रूप में। जैसे जीरा है ना, जीरा बहुत एल्केलाइन है। जीरे का काढ़ा बनाइए। जीरे का काढ़ा कैसे बनता है? जीरा पानी में डालिए, उबालिए, थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और थोड़ा उसमें पुदीने का पत्ते का चटनी वटनी मिला दीजिए, ये बहुत एल्केलाइन हो जाता है, फिर इसको पी लीजिए चाय की तरह से। ऐसे ही आपके घर में अजवाइन है, अजवाइन बहुत एल्केलाइन है, बहुत क्षारीय है, एल्केलाइन का काढ़ा बना लीजिए, अजवाइन का काढ़ा बना लीजिए, गुड़ मिला के और जीरा भी डाल सकते हैं उसमें, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता दोनों एल्केलाइन है, उनकी चटनी डाल दीजिए, बहुत अच्छा तैयार होगा। तो ऐसे बीसियों तरह के काढ़े हैं। एक हमारे भारत देश में गायत्री परिवार नाम की बड़ी संस्था है, उनका एक प्रज्ञा पेय आता है, वो भी बहुत एल्केलाइन है, वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। स्वामी जी ने भी एक विकल्प लाया है दिव्य पेय, वो सभी एल्केलाइन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उन्होंने एल्केलाइन चीजें उसमें रखी है, वो दिव्य पेय चाय का बहुत अच्छा विकल्प है। तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना? और अगर रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो उनको आप कहते हैं अतिथि तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते, देवताओं को तो अमृत ही पिला सकते हैं ना, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके अतिथि राक्षस हैं कि देवता हैं। अगर आप मानते हैं कि वो राक्षस हैं, खूब चाय पिलाइए, खूब कॉफी पिलाइए, जल्दी मार डालिए उनको। और अगर आप मानते हैं कि नहीं वो देवता हैं, तो बिल्कुल चाय मत दीजिए, बिल्कुल कॉफी मत दीजिए, दिव्य पेय दीजिए, अर्जुन की छाल का पाउडर दीजिए, जिंदा रखिए उनको। ये आप तय करिए, आप छोड़ता।